दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्रेजी फोर मूवीज चैनल को और इस बेल बटन को दबाइए ताकि आपको मिलती रहे साउथ मूवीज और हिंदी डब मूवीज की लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों कल रिलीज हुई महेश बाबू की मच अवेटेड मूवी स्पाइडर। मैंने काफी समय से किसी साउथ मूवी का रिव्यू नहीं दिया था क्योंकि मैंने काफी समय से कोई मूवी थिएटर में नहीं देखी थी मेरे एग्जाम्स के चलते, इसलिए मैं आपको जयलावा कुशा और विवेगम का रिव्यू नहीं दे पाया था। पर मैं स्पाइडर को मिस नहीं करना चाहता था तो मैंने कल इस मूवी का फर्स्ट तो नहीं सेकेंड शो देखा, क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए मुझे अपने शहर से दूर जाना पड़ा था क्योंकि मेरे शहर में इस मूवी का सिर्फ तमिल वर्जन रिलीज हुआ था और मुझे इस मूवी को तेलुगु में देखना था, इसलिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। तो आइए दोस्तों फटाफट देते हैं आपको इस मूवी का क्विक रिव्यू और बताते हैं कैसी है मूवी। स्पाइडर एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है A.R. मुरुगदास ने, जिसमें महेश बाबू के साथ लीड रोल में है रकुल प्रीत सिंह, SJ सूरज, भरत निवास और RJ बालाजी। फिल्म में म्यूजिक दिया है हरीश जयराज ने और सिनेमेटोग्राफी की है संतोष शिवान ने। अब आइए बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की। बात करें इस मूवी की कहानी की तो स्पाइडर कहानी है शिवा यानी महेश बाबू की, जो एक इंटेलिजेंट ब्यूरो में फोन टैपिंग एजेंट है। हायर क्वालिफिकेशन और नेशनल लेवल के निशानेबाज होने के बावजूद वो सिर्फ 40,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। वो लोगों के फोन्स को टैप करते हैं और मुजरिमों को पकड़ते हैं और उन्हें अपने काम से काफी संतुष्टि रहती है। फिर अचानक से दो रहस्यमय हत्याओं का केस उनके पास आता है, जिसकी जांच करते वक्त उन्हें पता चलता है कि उनसे हुई एक गलती के कारण ही ये दो हत्याएं हुई है। आखिर क्या थी वो गलती और कौन है ये सीरियल किलर और क्यों कर रहा है वो ऐसा और कैसे इस मूवी में महेश बाबू इस सीरियल किलर को पकड़ते हैं, यही इस मूवी की आगे की कहानी है। दोस्तों कहानी देखने से जितनी सीधी और सिंपल लग रही है उतनी ही इंटेंस और कॉम्प्लेक्स है। इस मूवी की कहानी में आपको वो हर एलिमेंट मिल जाएगा जिसकी उम्मीद आपने ट्रेलर और टीजर को देख के की थी, सिवाय इस स्पाइडर के। जी हाँ दोस्तों, ये स्पाइडर मूवी का हिस्सा नहीं है, इसे सिर्फ टीजर के लिए ही बनाया गया था। अब आइए बात करते हैं मूवी की खासियत यानी प्लस पॉइंट्स की। फिल्म की पहली खासियत है इस मूवी का प्लॉट। मूवी के अंत में ऑडियंस को एक सोशल मैसेज देता है। मूवी की दूसरी खासियत है महेश बाबू और SJ सूरज की दमदार एक्टिंग। इस मूवी को देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि ये मूवी महेश सर की करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मूवी है और वो इस मूवी में बिल्कुल इंडियन जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं। चाहे बात करें उनकी एक्टिंग, इंटेलिजेंसी, इमोशंस या एक्शन की, हर फील्ड में उन्हें 100 out of 100 पॉइंट्स मिलने चाहिए। बात करें SJ सूरज यानी इस मूवी के विलन की तो भाई क्या एक्टिंग है उनकी। A.R. मुरुगदास ने उनके रोल को इतनी बारीकी से लिखा है कि आपको बता दे दोस्तों, इस मूवी में उनकी एंट्री ही किसी हीरो से कम नहीं होती है। मूवी की तीसरी खासियत है इस मूवी के एक्शन सीन्स और VFX ग्राफिक्स। मूवी में फिल्माया गया रोलर कोस्टर वाला फाइट सीन सांसों को थाम देने वाला है। इस मूवी का चौथा और सबसे मेन पॉइंट है A.R. मुरुगदास। जी हाँ दोस्तों, ये उनका डायरेक्शन और नरेशन ही है जो आपको इस मूवी के साथ इंगेज रखता है। वो इस मूवी के हर एक फ्रेम में कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट और टर्न लाते रहते हैं। एटलीस्ट इस मूवी के फर्स्ट हाफ में तो वो आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे। ये तो हो गए मूवी के प्लस पॉइंट्स और अब बात करते हैं मूवी के कुछ खामियां यानी माइनस पॉइंट की, क्योंकि जब मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा तो आप बोलोगे कि आपने मार्क्स कहाँ पे काटे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के कुछ खामियों के बारे में। मूवी के फर्स्ट हाफ में आने वाले 3 गाने मूवी की पेस को स्लो करते हैं, जिसके कारण मूवी थोड़ी लंबी खींच रही है, जबकि इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक सॉलिड है। दोस्तों मूवी सेकेंड हाफ में थोड़ी फीकी पड़ती नजर जरूर आती है, पर A.R. मुरुगदास इस बात का आपको एहसास नहीं होने देंगे। से कहा जाए तो इस मूवी में खामियों के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब आइए देते हैं इस मूवी का फाइनल वर्डिक। एक लाइन में कहा जाए तो स्पाइडर एक इंटेंस और सीरियस थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी में सोशल मैसेज को कमर्शियल तरीके से दिया गया है, जैसा कि A.R. मुरुगदास अपनी पहली फिल्मों में भी करते आए हैं।
इस फिल्म को आप सबटाइटल के साथ देखें या डब होने के बाद देखें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि इस मूवी की जान इस फिल्म की एक्टर्स की एक्टिंग और मूवी का डायरेक्शन है। इस इंटेंस और स्पाई थ्रिलर मूवी को मेरी तरफ से 4 स्टार्स, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जी हाँ, सुपरस्टार इज बैक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।